हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेने वाला हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का पार्ट टू। स्टूडेंट, इससे पहले मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन दिए थे। यहाँ आई टे बारह यहाँ पर आप मेरा वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये सेकंड पार्ट बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और यहाँ पर मैं तीन से चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हर साल पूछे हुए क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे पैरा बोला है, इलिप्स है, एस्ट्रॉइड है, इनके क्वेश्चंस होते हैं जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट कि मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें सो दैट कि मैं आगे और भी अच्छे कंटेंट को आपको आपके साथ लेके आऊं। सो स्टूडेंट, देखिए यहां पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से निकालते हैं। और यहां पे क्वेश्चन दो लैंग्वेज में पूछा जाता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एक्स वाई एट एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इज इक्वल टू ए पावर 2/3। कभी-कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ए कॉस क्यूब थीटा ए कॉमा ए साइन क्यूब थीटा ऑफ द कर्व दिस इज 3a sin थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, तो उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से बताऊंगा और किस तरह से करेंगे। देखिए आप लोग, यहां पे हम लेंगे इसको x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3। तो इसमें हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy / dx की पावर 2 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y / dx स्क्वायर। यहाँ पे हमें dy / dx और d2y / dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तभी हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा। तो स्टूडेंट देखिए आप किस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। इसको हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2/3 आ गया आएगा, x पावर -1/3 हो जाएगा प्लस 2/3 आ गया आएगा y पावर -1/3 इंटू dy / dx और ये हो जाएगा 0। नाउ ये 2/3 तो गया 0 में, ये x पावर -1/3 उधर लेंगे तो y पावर -1/3 dy / dx इज इक्वल टू माइनस x पावर -1/3। इसको डिवाइड करेंगे सो dy / dx इज इक्वल टू x पावर -1/3 y पावर -1/3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि नेगेटिव पावर आ रही, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो यह आएगा y / x पावर 1/3 1/3 माइनस। सो ये हमारे पास वैल्यू आई dy / dx ही। अब हमें चाहिए d2y / dx स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए आप d2y / dx स्क्वायर, तो इसको हम वापस u अपॉन v से करेंगे। तो देखिए माइनस तो मैंने बाहर रख दिया, नाउ y पावर 1/3 को छोड़ा इसका करेंगे तो 1/3 आगे x की पावर -2/3 आएगा, है ना। नाउ माइनस, नाउ अब क्या करेंगे, x पावर 1/3 को छोड़ा y का करेंगे तो 1/3 आगे आएगा y पावर -2/3 dy / dx डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर। तो x पावर 1/3 का होल स्क्वायर होता है x पावर 2/3, राइट। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आप क्या करेंगे, d2y / dx स्क्वायर 1/3 कॉमन निकाल लीजिए और ये x पावर 2/3 हम यहाँ लिख देते हैं तो ये आएगा y पावर 1/3 और नेगेटिव पावर है तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ 2/3 माइनस x पावर 1/3 और ये नेगेटिव पावर है तो नीचे आ जाएगी 2/3। नाउ dy / dx की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये रह गई, ये वैल्यू उठा के हम वहाँ रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3। नाउ स्टूडेंट ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हुई, नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y / dx स्क्वायर आएगा आपके पास x पावर 2/3 नाउ y पावर 1/3 x पावर 2/3। नाउ इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे बचेगा आपके पास y पावर 1/3। नाउ इसका एलसीएम लेंगे हम सो यह आएगा d2y / dx स्क्वायर माइनस 3x पावर 2/3, इसका एलसीएम आएगा x पावर 2/3 y पावर 1/3। सो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 हो जाएगा और ये भी x पावर 2/3 होगा। और स्टूडेंट x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 की वैल्यू हमारे पास a पावर 2/3 है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास d2y / dx स्क्वायर माइनस 3 a पावर ये वैल्यू आएगी आपके पास a पावर 2/3 3 x पावर 2/3 x पावर 2/3 कितना हो जाएगा x पावर 4/3 y पावर 1/3। नाउ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों उठा के इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास रो की वैल्यू कितनी आएगी देखिए आप लोग। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस dy / dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2/3 अपॉन
एक्स पावर 2/3 हो जाएगा, पावर 3/2, इसका होल स्क्वायर किया मैंने ना, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा और पावर 1/3 का स्क्वायर, तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय d2y/dx2, तो इसकी वैल्यू आपके पास माइनस का a पावर 2/3 अपॉन 3 एक्स पावर 4/3 वाई पावर 1/3। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो स्टूडेंट ये उल्टा ऊपर लेके जाता हूँ मैं, तो 3 एक्स पावर 4/3 वाई पावर 1/3 अपॉन ए पावर 2/3। स्टूडेंट हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको प्लस ही ले लेंगे, है ना। नाउ वापिस आप ये मत बोलना कि सर माइनस का कहाँ चला गया, माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए माइनस को हम नहीं लेंगे, राइट। नाउ इसको हम एलसीएम लेंगे, तो एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 अपॉन एक्स पावर 2/3 पावर 3/2। स्टूडेंट इसका हमने एलसीएम लिया। नाउ एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 एक्स पावर 4/3 वाई पावर 1/3 ए पावर 2/3। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी ए पावर 2/3 एक्स पावर 2/3 पावर 3/2। इसकी वैल्यू हमने ए पावर 2/3 रख दी यहाँ पे। नाउ इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट, तो रो इज इक्वल टू 3 एक्स पावर 4/3 वाई पावर 1/3 ए पावर 2/2। और स्टूडेंट ये 2/3 उसे 3/2 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बाय एक्स बचेगा। नाउ मैं आपको बता दूँ ये एक्स ऊपर गया, तो ये 1 पावर ये ऊपर जबकि 4/3 में से माइनस होगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू बचेगी 1/3। नाउ ये 1 पावर है और ये 2/3 पावर है, तो जब 1 2/3 से माइनस होगा तो ये भी बचेगा आपके पास a पावर 1/3, और यहाँ है आपके पास y पावर 1/3। तो स्टूडेंट मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 a x y पावर 1/3। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये तो आपका आंसर आ गया, पर आपसे ये पूछा जा रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए कि एट ए साइन क्यूब थीटा ए कॉस क्यूब थीटा कोमा ए साइन क्यूब थीटा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो एट ए साइन सॉरी कॉस है ए कॉस क्यूब थीटा एंड ए साइन क्यूब थीटा, तो क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू ए, यहाँ पर रख देंगे ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा पावर 1/3। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आएगा 3, ये ए क्यूब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा पावर 1/3, तो ये पावर 1/3 हट जाएगी, तो यहाँ से आएगा 3a साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या प्रूव करना था हमें, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो 3a साइन थीटा कॉस थीटा होगी। सो स्टूडेंट मुझे लगता है क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, तो यहाँ पे हमने किया क्या, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, देन इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा ये आंसर आया, और यहाँ पे पॉइंट एक्स और वाई रख दिया, तो हमारा ये आंसर है। सो नेक्स्ट मैं आपके आगे क्वेश्चन लेने वाला हूँ पैराबोला के, पैराबोला पे बेस्ड कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप, एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला दे रखा है और आपको यहाँ पे दो पार्ट प्रूव करने हैं, रो इज इक्वल टू 2√a(x+a)/3/2, और या फिर इसको ऐसे ही बोला जाता है 2sp/3/2 अपॉन √a वेयर s इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। सेकंड पार्ट है ρ1 -2/3 ρ2 -2/3 इज इक्वल टू 2a-2/3, और 2a को यहाँ पे इसने l लिख दिया, वेयर l इज द सेमी लेटेस्ट रेक्टम, है ना, तो ये आपको प्रूव करना, और रो 1 और रो 2 जो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ द फोकल कोड, राइट। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो कर्व को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें हम कोई भी पैरामीटर जो टी पैरामीटर की वैल्यू से हम सभी कोऑर्डिनेट्स को हम निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, तो इससे हम हमारे पास, मैंने आपको स्टार्ट में जो मेरा पुराना वीडियो उसमें मैंने बताया था कि उस वाले केस में इसका फार्मूला होता है x′²y′² पावर 3/2 x′y′-y′x′, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 280, नाउ x′ आपके पास आएगा हमारे पास 2a, नाउ y′ हमारे पास 2a आया, और y′ यहाँ पे आएगा 0। इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे स्टूडेंट, तो रो इज इक्वल टू x′² इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4a²t², नाउ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4a² पावर 3/2 x′y′, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 0 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना y′x′ ना, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 4a². पर मैं आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये रो इज इक्वल टू आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4a² बाहर कॉमन लेंगे आप,
तो 4a स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, तो 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, और ये बाहर कॉमन लेंगे तो पावर 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा बाहर आके 8a क्यूब। नाउ यहाँ बचा आपके पास t स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2, और ये पॉजिटिव लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, 4a स्क्वायर से 8a स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2a टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। अब आपको तो प्रूफ में यहाँ पे x चाहिए, तो कैसे वो लेके आएंगे, तो स्टूडेंट ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट लगेगा। हम जानते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, तो यहाँ से जो t स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x बाय a आएगी, वो उठा के हम वहाँ रखेंगे तो रो इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 2a, और जहाँ पर भी t स्क्वायर वहाँ हम रखेंगे x बाय a प्लस 1 की पावर 3/2। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a ये आएगा x प्लस a पावर 3/2, और ये a की पावर 3/2 इसको लिख सकते हम a रूट a, ये a से a कैंसल, सो रो इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट a x प्लस a पावर 3/2। और स्टूडेंट मैं बता दूं आपको यहाँ पे इसने एस पी लिखा है, तो ये फोकल प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की, और पैराबोला की फोकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अगर हमारे पास कोई पैराबोला है और ये हमारा कोई फोकस है, ठीक है, ये एस है और यहाँ पे ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो इस पॉइंट पर कोई पी पॉइंट है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए के बराबर होती है, तो बाय फोकल प्रॉपर्टी हम जानते हैं जो एस पी होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स प्लस ए, मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और ए के बराबर होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी एक्स प्लस ए वहां कितना रख देंगे, एस पी रख देंगे, तो 2 अपॉन रूट ए एस पी पावर 3/2 होती है ना, तो ये इस तरह से इसको कर सकते हैं स्टूडेंट, इस एस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर बहुत टाइम खराब होगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें आप सीधा लिख दें बाय फोकल प्रॉपर्टी वी नॉट डेट एस पी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, और जहां पर एक्स प्लस ए वहां क्या रख दें आप एस पी रख दें। नाउ सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका कि रो वन एंड रो टू आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ फोकल कोड। अब मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को हटाता हूँ और फिर एक और डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपके पास पैराबोला है, राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इसका फोकस है एस, और इससे पास होने वाली कोई भी कोड होती है वो हमारी होती है फोकल कोड। मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है और ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशनशिप होता है T1 T2 is equal to -1 होता है ना, अगर हमें एक फोकल कोड के कोऑर्डिनेट पता है तो हम दूसरे के निकाल सकते हैं, है ना, तो T1 T2 is equal to -1 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आपको याद रखना है, राइट। अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वन है, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो टू है, तो आपको ये पार्ट प्रूव करना है कि इसके बराबर होगा, तो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे निकाल दिए, तो ये याद रख लीजिए आप, ये वैल्यू रह गई ना, इसको आप याद रखिए, है ना, इसकी वैल्यू याद रखिए, तो मैं इसको ढंग से वापस लिख देता हूँ, है ना, क्या निकाला हमने यहाँ पे 2a t स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। नाउ अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं RC लिख रहा हूँ एट P पॉइंट ना at1 स्क्वायर कॉमा 2at1, तो स्टूडेंट जहां पर भी t वहां क्या जाएगा, इसको नाम देंगे रो 1 और 2a t1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट Q पॉइंट दैट इज at2 स्क्वायर कॉमा 2at2, तो ये क्या हो जाएगा आपका रो 2 हो जाएगा, तो 2a पावर t2 स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। नाउ ये रो 1 और ये रो 2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, LHS में रखेंगे, और उसको हम ये प्रूव करेंगे, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सोचिए इसका हम LHS लेके चलेंगे, तो क्या आएगा रो 1 पावर माइनस 2/3 प्लस रो 2 पावर माइनस 2/3, तो स्टूडेंट कितना आएगा यहाँ पे देखिए 2a t1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 पावर माइनस 2/3 प्लस 2a t2 स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 पावर माइनस 2/3। स्टूडेंट हम रो 1 और रो 2 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दी हमने, ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखो ये 2a की पावर तो कितनी हो जाएगी 2a पावर माइनस 2/3, और ये 3/2 से 2/3 कैंसिल हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का मतलब होता है 1 प्लस t1 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ये भी 2a पावर माइनस 2a पावर माइनस 2/3 हो जाएगा। नाउ ये प्लस ये 3/2 और 2/3 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, है ना, इन्वर्स पावर तो नीचे आ जाएगा। नाउ क्या करेंगे आप 2a पावर माइनस 2/3 कॉमन निकाल दीजिए आप, इसका एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
t2 स्क्वायर पर हम जानते हैं t1 t2 इज इक्वल टू माइनस वन, तो t2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1 अपॉन t1, तो जहां t2 है वहां रखेंगे माइनस 1 अपॉन t1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो t1 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो 2a पावर माइनस 2 बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर, और ये t1 स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो t1 स्क्वायर ऊपर गया 1 प्लस t1 स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2 बाई 3। और स्टूडेंट हम जानते हैं जो भी हमारा पैराबोला होता है उसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो 4a होती है, तो इसकी जो सेमी लेटेस्ट रेक्टम होती है वो क्या होती है l होती है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे वो एस्ट्रॉइड का लिया और पैराबोला का लिया। अब नाउ मैं जो नेक्स्ट जो अगला वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इलिप्स है उस पर बेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उस पर आते हैं, सो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन एक और जो मेरा टॉपिक है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन और जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। सो स्टूडेंट ये वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप सेकंड इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आप देखें, और मैं मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें, थैंक यू सो मच। और लाइक तो बनता ही है, लाइक करना ना भूलें, सो दैट वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।